नमस्कार, R9 टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, पीओके में लगातार लॉन्चिंग पैड जो है आतंकियों के, वो सक्रिय कर दिए गए हैं और तस्वीरें भी उनकी सामने आ रही हैं। ये बताया जा रहा है कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में आतंकी यहाँ लॉन्चिंग पैड पर मौजूद है और पाकिस्तानी फौज का उन्हें संरक्षण हासिल है। जैसा कि पहले हमने आपको बताया था कि 2000 फौजी जो है, पूरी की पूरी एक ब्रिगेड जो है LOC के बहुत पास वहां तैनात कर दी गई है। वजह बिल्कुल साफ है कि आतंकियों को संरक्षण देना है और जम्मू कश्मीर में उनकी घुसपैठ करवानी है। बड़ी खबर इस वक्त की, बौखलाए पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश सामने आ रही है। POK में आतंकियों के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाए गए हैं। जैश, हिजबुल और लश्कर के आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये ट्रेनिंग जमात इस्लामी आतंकियों को दे रही है। आतंकी कैंप की तस्वीरें वायरल भी हो रही है लगातार। LOC के पास पाक ने 2000 सैनिक भी बढ़ाए हैं और धारा 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और इस बात की तस्दीक इस बात से भी होती है कि नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन ने 2 आतंकियों को जो पकड़ा गया था, बताया गया कि वो लश्कर ए तैयबा के आतंकी है और उन आतंकियों ने कबूलनामा दिया था, खुलासा किया था कि लॉन्चिंग पैड में हजारों की तादाद में आतंकी जो है अब घुसपैठ करने की फिराक में और पूरा संरक्षण दे रही है पाक फौज। तो जब से धारा 370 हटी है, पाकिस्तान ने बहुत सी कोशिशें की हैं कि इस मुद्दे को इंटरनेशनल कर दिया जाए, लेकिन उसमें उसे सफलता हासिल नहीं हुई और अब एक बार फिर से वो अपने पुराने ढर्रे यानी कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ कराने की पूरी साजिश रचता हुआ नजर आ रहा है। तो बाकी अपडेट्स के लिए भी आप बने रहिए R9 TV के साथ।